भाइयों और बहनों, बीते छह महीने में जितने भी काम हुए हैं, जितने भी फैसले लिए गए हैं, इनमें से अनेक ऐसे थे जो दशकों से लटके हुए थे और ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। इन सारों को लटकाने का श्रेय कांग्रेस और उसके सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने सबसे ज्यादा समय देश पर शासन किया है, देश पर राज किया है। ये कांग्रेस की हमेशा से रणनीति रही है कि मुश्किल फैसलों को टालते रहो, उस पर राजनीति करते रहो। कांग्रेस ने हमेशा अपनी राजनीति के बारे में सोचा है, राष्ट्रहित और राष्ट्रनीति के बारे में सोचने में उनको बड़ी देर लग जाती है। कांग्रेस की यही राजनीति है जिसके कारण सात दशक बाद भी भारत के समाज में अनेक नई मुश्किलें आती हैं, दरारें खड़ी हो जाती हैं, दरारें दिखने लगती है। साथियों, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई वर्षों से चल रही थी। कांग्रेस की सरकारें आती थी, चुनाव के समय वादे करती थी, ओबीसी के नेताओं के साथ फोटो निकलवाती थी और चुनाव गया कि भूल जाती थी। लेकिन और कांग्रेस उसको लटकाए रखती थी कि हर चुनाव में भुनाया जा सके, यही इनकी स्वार्थ की नीति थी। लेकिन भाजपा ने पिछड़े वर्ग ओबीसी की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया ताकि पिछड़ों को इंसाफ मिल सके। आपने देखा होगा, लोग झूठ फैलाते रहते हैं, मोदी आएगा, भाजपा आएगी तो अनामत जाएगी, अनामत जाएगी, आरक्षण जाएगा, आरक्षण जाएगा। अभी पार्लियामेंट में हमने एससी एसटी के आरक्षण के 10 साल बढ़ाने का निर्णय हमारी सरकार ने कर दिया। यह हमारी राष्ट्रनीति का हिस्सा है। साथियों, सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को आरक्षण मिले, हर कोई परिवार से मांग उठती थी। सामान्य वर्ग का हर गरीब सालों से मांग कर रहा था, आंदोलन कर रहा था। लेकिन कांग्रेस जायज मांगों को भी टालती रही, दबाती रही, लटकाती रही। ये कांग्रेस और उसके सहयोगों की स्वार्थ नीति का परिणाम था। भाजपा ने गरीब के हित में सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दे दिया। मिला कि नहीं मिला? निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? सामान्य वर्ग को भी न्याय मिला कि नहीं मिला? यही हमारी राष्ट्र नीति है। साथियों, आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाने की मांग भी दशकों से चल रही थी, लेकिन इसको पूरा करने का काम भी जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, तब कर पाए। उसके पहले कांग्रेस को आदि जाति समाज की परवाह नहीं थी। भाइयों और बहनों, इसी तरह अलग झारखंड के निर्माण के लिए भी अगर वर्षों तक यातनाएं झेलनी पड़ी, गोलियां बरसाई गई, जुल्म किए गए, खून खराबा हुआ, लोगों को जेलों में डाला गया, लोगों को अपनों को खोना पड़ा, तो ये मुसीबत का कारण भी कांग्रेस पार्टी रही है। भाइयों, कांग्रेस पार्टी रही है, उनके साथी रहे हैं जो स्वार्थ के लिए राजनीतिक आंदोलनों की बातें करते रहे हैं।
आजादी के बाद से ही यहां का जनजातीय समाज, यहां का पिछड़ा समाज अलग राज्य की मांग कर रहा था, लेकिन कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों को ऊपर रखा, आपकी बात नहीं सुनी और पांच दशक तक आपके लिए अलग झारखंड नहीं बनाया। और कुछ लोग तो कहते थे कि झारखंड मेरे लाश पर बनेगा। आज वही लोग आपके वोट मांगने निकले हैं। ऐसे झूठ बोलने वालों को माफ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? झारखंड का विरोध करने वालों को स्वीकार कर सकते हैं क्या? झारखंड के मुद्दे को लटकाए रखने वालों को स्वीकार कर सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, बाबू राम नारायण सिंह जी, जयपाल मुंडा जी और विनोद बिहारी महतो जी जैसे सेनानियों के संघर्ष को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। उनकी आवाज को दबाने के लिए छल कपट का सहारा लिया गया, लेकिन भाजपा ने इस संघर्ष का भी सम्मान किया और इससे जुड़े सेनानियों का भी सम्मान किया। और जब भाजपा को पहली बार दिल्ली में आपने अवसर दिया तो आपसे किया गया अलग झारखंड का वादा भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पूरा कर दिया। इतना ही नहीं, झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर विश्वविद्यालय का नामकरण करने का काम भी भाजपा की सरकार ने किया, ताकि झारखंड की युवा पीढ़ी को आने वाली सदियों तक प्रेरणा मिलती रहे।